मैनिया और डिप्रेशन, ये दोनों बीमारियां मिलके एक बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, या कभी खुशी कभी गम, ये नाम से जानी जाती है, ऐसी बीमारी है और उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ये बीमारी होती क्या है? ये बीमारी में मैनिया की झटके आते हैं, मतलब आदमी हाइपर हो जाता है, उसको बहुत खुशी महसूस होती है और खुशी का झटका आता है, उसको हर्षवायु या उन्माद बोलते हैं। और वो अटैक, वो एपिसोड, वो हो गया उसके बाद में फिर वो नॉर्मल हो जाता है, और नॉर्मल होने के बाद में फिर उसको डिप्रेशन का या गम का या निराश का, हताश का झटका आ सकता है। तो उसको कभी हाइपर का झटका आता है, उसके बाद में मतलब 15 दिन से लेके समझो 9 महीने तक अप्रोक्सीमेटली वो झटका रहता है, उसमें आप ही आप वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है या इलाज करके अच्छा हो सकता है। और वो हर्षवायु का या उन्माद का या हाइपर का झटका निकल गया, क्यों नॉर्मल रह जाता है, कुछ दिन तक नॉर्मल रहेगा, कंप्लीटली नॉर्मल, एकदम अच्छा, और बाद में उसको फिर से हाइपर का झटका आ सकता है या फिर उसको डिप्रेशन का झटका आ सकता है। तो जब डिप्रेशन का झटका आता है तो उसको हताश निराश हो जाता है, उदासीनता आती है, और वो भी झटका जो है वो 15 दिन से लेकर कभी कभी 9 महीने तक चलता है। उसमें भी इलाज किया तो जल्दी अच्छा हो जाता है, इलाज नहीं किया तो अप्रोक्सीमेटली 8-9 महीने के बाद में वो अच्छा हो सकता है। तो व्यक्ति एक तो हाइपर मैनिया, एक तो डिप्रेशन, ऐसे झटके एक के पीछे एक आएंगे, बीच में वो कभी अच्छा कंप्लीट रहता है, हो सकता है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल अच्छा रहेगा, और फिर उसको दूसरा डिप्रेशन का झटका या मैनिया का झटका आ सकता है। अभी इसमें क्या क्या दिखाई देते हैं, मतलब सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या है इसके, उसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूं। पता क्या है कि हमारे जिंदगी में ये कभी खुशी कभी गम वैसे ही नॉर्मल दिखाई देता है, मतलब वैसे नॉर्मल आता है, भावनाएं अपने मन में आती रहती है, कभी हम खुश रहते हैं कभी उदास रहते हैं, मगर कभी वो बहुत ही ज्यादा हो गया, गंभीर रूप उसे धारण कर लिया, मैनिया एकदम बहुत ज्यादा हो गया या डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर वो अपने रोष के जीवन में नजरअंदाज करता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो समस्या निर्माण हो जाती है, उसके खुद के लिए समस्या निर्माण होती है, उसके रिश्तेदार उनके लिए समस्या निर्माण हो जाती है। और फिर उसका इलाज करना जरूरी है। मैनिया में होता क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मैनिया में उसको बहुत खुशी आ जाती है, बहुत ही खुश व्यक्ति रहता है, सबसे बातें करना, सबसे मिलना जुलना, घूमना, बहुत खर्चा करना, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, वो बड़े बड़े सौदे करेगा, जेवरात लेगा, कभी प्रॉपर्टी के सौदे करेगा, कपड़े खरीदी कर लेगा, शॉपिंग करेगा बहुत बड़ी बड़ी, उसको खुद को बोलेगा कि मैं आमदार हूँ, खासदार हूँ, या मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा बोलेगा वो, और मतलब उसको ऐसा लगता है कि बस मैं जो बोलूंगा वही सच है। इसने उसको अपोज किया, विरोध किया इसने, तो उसका उसको भयंकर गुस्सा आ जाता है, और वो उनको दोष देगा या उनसे झगड़ा मोल लेगा फिर, या मारपीट भी कर सकता है, मतलब वो जो बोले वो सही है, ऐसा ही होता है। इसमें होता यह है कि बहुत ज्यादा एनर्जी, ताकत, शक्ति उसमें आती है, और कम घंटे नींद लेने के बावजूद भी वो काफी एनर्जेटिक रहता है। खाना उसका हो सकता है कि कम खाने के बावजूद भी वो बहुत ही एक्टिव रहता है, खाना भी कम हो जाता है, और फिर कभी मारपीट करना, गुस्सा करना, तो कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। जैसा मैंने बोला, ये दौरा 15 दिन से लेके 9 महीने तक चल सकता है, और उसमें फिर वो नॉर्मल हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि ये होने के बाद में वो अच्छा रहा तो बहुत ही अच्छा है, कुछ महीने कुछ साल अच्छा रहे कि फिर उसको डिप्रेशन आ सकता है। अभी इसमें डिप्रेशन में क्या होता मैं आपको बताता हूं।
डिप्रेशन में होता गया है, मतलब उदासीनता इतनी आती है उसको लगता है कि अभी अपना कुछ खरा नहीं, उसको निराशा आती है, वो हताश हो जाता है, तो बहुत ही दुख अंदर से आता है उसको, उसको समझता है कि मैं इतना दुखी क्यों हूं, और हमको भी समझता है कि वो इतना दुखी क्यों है, उसको रोना भी आता है, उसको लगता है कि अपना भविष्य जो है वो कोई अच्छा नहीं है, तो खाना चलता नहीं, नींद नहीं आती, खाने की इच्छा नहीं होती, उसका वजन कम हो जाता है, उसमें पूरे बदन में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, नींद एक तो बहुत देरी से आना या सवेरे जल्दी उठ जाना, मतलब इस तरह का होता है डिप्रेशन में, उसको रोने के दौरे भी आते हैं बिना कुछ वजह, वो रोता भी है, अपना कुछ खरा नहीं है, वो डिप्रेशन है, काम पे जाना नहीं, काम करने लायक मैं नहीं हूं, मैं तो बहुत ही गया बिका आदमी हो गया हूं, ऐसा उसको लगता है, और इससे अच्छा मैं मर गया तो अच्छा रहता है, ऐसा उसको लगता है, उसको लगता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया, मतलब जो मैनिया का जो ना है पर उससे पूरा उल्टा वे डिप्रेशन में दिखता है, उसको लगता है कि बच्चों का शिक्षण है, शिक्षा देना है उनको, लड़कियों की शादी करना है, वो मैं कैसे करूँगा, आगे चल के कैसा होऊंगा, इस तरह का उसको बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, चिंता रहती है, और उसमें वो खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है, अपने पास में हथियार रखेगा, कभी गोलियां काटा खाने की कोशिश करेगा, है ना, और बस ऐसा उसको वो दिन काटते रहते, ऐसा उसको लगता है कि एक एक दिन में बहुत बड़ा हो गया, तो ये 15 दिन से लेकर 9 महीने तक समझो चल रहा है, उसको इसमें भी इलाज किया तो वो पूरा अच्छा डेली हो सकता है। अब ये दोनों जो अटैक्स है, तो ये दोनों अटैक में उसको खुद को तकलीफ होती रहती है, मगर उसके जो रिश्तेदार है, जो फैमिली मेंबर्स है, उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब इसका इलाज करना जरूरी है जब सभी लोग परेशान रहे। अब इसका इलाज कैसा करते हैं आपको बता, इसके इलाज में होता क्या है कि एक तो दवाई से इलाज करो, दवाइयां दो, और दूसरा है मानसोपचार करो, साइकोथेरेपी, और अलग अलग तरह की साइकोथेरेपी इसमें दी जाती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा दवाइयों का इलाज। तो जब उसको मैनिया का अटैक रहता है, हाइपर उन्माद हर्षवाय, वो जब अटैक रहता है तो मूड को नीचे लाने के लिए कुछ दवाइयां होती है, उसको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक्स, वो हम दे सकते हैं, या मूड स्टेबिलाईजर दे सकते, मूड स्टेबिलाईजर मतलब भावना जो है उसका संतुलन करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं, ताकि उसका जो खुशी है वो नीचे आ जाए, उसको नींद नहीं आती करके नींद की गोली देना पड़ता है, उसका खाना पीना ठीक नहीं रहा तो उसको सलाइन दो, खाना पीना अच्छा उसका करो, और वो जो हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो रही है उसको शांत करना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है, ये हो गया मैनिया। रहा दूसरा डिप्रेशन, डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट्स है, मतलब जो निराश और हताश जो डिप्रेशन है उसकी दवाइयां हैं, एंटी डिप्रेशन उसको बोलते हैं, और अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो हम दे सकते हैं, ये दवाइयों का इफेक्ट आने के लिए कम से कम 3 हफ्ते टाइम लगता है, तो 3 हफ्ते तक हमको लोगों को ज्यादा निगरानी में रखना पड़ता है, उनके साथ ज्यादा ख्याल करो ताकि वो कहीं कुछ कम ज्यादा ना करे। तो ये हो गया डिप्रेशन का, गोलियों का दवाई का इलाज। अभी ये फिर से अटैक एक के पीछे ना आए, या एक हो गया बीच में अच्छा फिर दूसरा अटैक ना आए, इसलिए भावना मूड संतुलन करने की दवाई है, मूड स्टेबिलाईजर, वो काफी दिन तक हम दे सकते हैं, यदि वो अटैक एक के पीछे आते हैं तो उसको वो काफी दिन तक हम दे सकते हैं मूड स्टेबिलाईजर। मगर यदि बहुत दिन अच्छे जाते हैं, बीच में साल 2 साल एकदम अच्छे जाते हैं मालूम है हमको, तो फिर मूड स्टेबिलाईजर देने की जरूरत नहीं है, वो तो देना ठीक नहीं, क्योंकि हर एक के साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये हो गया दवाई का। अभी बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब शॉक ट्रीटमेंट दे सकते। वैसे ही डिप्रेशन का है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, 3 हफ्ते दवाइयों को इलाज करने के लिए लगते हैं, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते 3 हफ्तों का। कभी कभी पेशेंट जो है वो खुदकुशी करने के विचार बोल के बताता है, उसने कभी अटेम्प्ट किया हो, तो बेहतर यह है कि हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दे। अभी दूसरा कौन सा इलाज है, दूसरा है मानसोपचार। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रहेगी,
मतलब पेशेंट के जो विचार है, कॉन्वर्जेशन, दिमाग के जो विचार है, वो विचार जो है वो विचार गलत कैसे है, और वो गलत विचार कैसे ड्रॉप करना, और जो सही विचार है वो सही विचार कौन से है, रैशनल थिंकिंग, तो वो रैशनल थिंकिंग कैसे लाना, और उसके बिहेवियर में, उसके बर्ताव में कैसा बदलना, उसके बारे में वो मन सोचा रहता है। मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ वो उसका कॉम्बिनेशन, एक रैशनल इमोटिव थेरेपी आरईटी, दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसा सब मिक्स करके हम इसका इलाज मानसोपचार करते रहते हैं। इसमें हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, सम्मोहन उपचार, ये भी अच्छा उपचार है, जिसमें उसके सबकॉन्शियस माइंड को या अनकॉन्शियस माइंड को हम सजेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं, उसमें सिटिंग रहते हैं, हफ्ते में एक बार या दो बार हम पेशेंट को बुलाते हैं हमारे पास में, उसको काउंसिलिंग भी करते हैं, मानसोपचार भी देते हैं, और उसको सम्मोहन उपचार भी देते हैं। उसमें पेशेंट का जो कॉन्शियस माइंड है उसको हल्का सा सुला के सबकॉन्शियस माइंड को जो सजेस्टेबल है उसको, उससे बात करके सम्मोहन उपचार किया जाता है। तो हम उपचार कर सकते हैं। फिर योगा थेरेपी है, मेडिटेशन है ना, तो ऐसी अलग अलग तरह की जो साइकोथेरेपी वो भी है। हमारा उद्देश्य यह है कि आज मतलब डिप्रेशन देखा जाए, सिर्फ डिप्रेशन तो कम से कम 10-15% लोग डिप्रेशन से ग्रसित है, मतलब उनको डिप्रेशन होता है। मैनिया 5-10% लोगों को मैनिया, या फिर हाइपोमैनिया, मतलब कम इंटेंसिटी का जो मैनिया उसको हाइपोमैनिया वो हो सकता है, तो काफी। और यदि माँ पिताजी को यदि ये हिस्ट्री है, यदि उनका इतिहास है कि उनको भी ये बीमारी हुई हो, तो बच्चों को बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए, और सतर्क रह के जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लेना चाहिए बीमारी, ताकि ज्यादा बीमारी होने के पहले यदि हम उसको पकड़ लें, उसको इलाज करें, तो फिर ज्यादा होकर जो नुकसान होता है वो नुकसान होता है। तो मैं जब बता रहा हूँ आपको वीडियो, मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, वो लोगों के साथ में आप शेयर करें, लोगों को बताएं। आप ये देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप लोगों को शेयर करो, ये वीडियो को आप लाइक करो, मेरे चैनल को लाइक करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि हम जो उपचार करते हैं, या हमारा जो मकसद है काम करने का, वो है कि मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति। तो नशा मुक्ति भी पूरी तरह से सब लोगों को होना चाहिए, स्पेशली अल्कोहल और बाकी जो दवा रहती है उसका जो नशा आता है वो, तो वो नशा मुक्ति का इलाज हम करते हैं, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, ये हमारी मनोकामना है। तो इसके साथ मैं भी मेरा जो इसके ऊपर का जो भाष्य है वो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।